हाय गाइस, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडोनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर है उसके लिए शॉर्ट नोट्स को देखेंगे, जिसमें सीआरसी को देख रहे हैं। सीआरसी मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, जिसका हिंदी में संकुल संसाधन केंद्र। इन सब टॉपिकों पर शॉर्ट नोट्स जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इससे पहले मैं बीआरसी पे वीडियो बना चुकी हूँ और अभी सीआरसी पे बना रही हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आसपास के 8 से 12 स्कूलों को मिलाकर एक संकुल संसाधन केंद्र बनाया जाता है। जिस किसी भी एरिया में 8 से 12 स्कूल होगा वहाँ पे एक संकुल संसाधन केंद्र होगा, मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होगा, जिसमें कुल 35 से 40 शिक्षक होंगे। 8 से 12 जो स्कूल होगा उसके जो भी शिक्षक होंगे तो उसमें से 35 से 40 शिक्षक को सेलेक्ट किया जाएगा। संकुल संसाधन केंद्र में एक समन्वयक मतलब एक कोऑर्डिनेटर होता है, जो प्रायः शिक्षकों में से ही चुने जाते हैं। जो 35 से 40 टीचर होते हैं उसी में से उनको चुना जाता है। इसके अतिरिक्त मदद के लिए संकुल संसाधन केंद्र संचालन एवं संसाधन समूह के लोग होते हैं, और भी उसमें मेंबर्स होते हैं, जिसमें क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में। फिर संकुल संसाधन केंद्र के लिए विशेष भवन का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराया जाता है। इसके लिए एक अलग ही मतलब बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, वो कौन करता है, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा करवाया जाता है। इसमें प्रशिक्षण कक्ष मतलब ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के लिए एक रूम होता है वो, के साथ संसाधन कक्ष रिसोर्सेज जो भी वहाँ पे यूज होता होगा उसके लिए एक रूम होता है। संकुल संसाधन केंद्र में शिक्षकों का 1 दिवसीय मतलब 1 डे गैर आवासीय प्रशिक्षण होता है। मतलब एक दिन का होगा तो वहाँ पे स्टे करना जरूरी नहीं है, तो वह एक ही दिन का होगा तो गैर आवासीय होगा। इसमें विद्यालय में उत्पन्न शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा की जाती है। स्कूल में जो भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर चर्चा की जाती है, तथा उनका प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कैसे किया जाए वो सॉल्यूशन खोजा जाता है। अब इस बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष चर्चा की जाती है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए उसके ऊपर ज्यादा वो मेन टॉपिक वही रहता है। संकुल संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य हैं: संकुल स्तर पर शैक्षिक योजना का निर्माण करना। संकुल स्तर पर मतलब 8 से 12 जो स्कूल होगा उसमें सभी स्कूल के लिए शैक्षिक योजना बनाया जाएगा। 1 दिवसीय मासिक आवर्ती प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय परिभ्रमण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि बच्चों को स्कूल से बाहर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में लिया ले जाया जाता है, या किसी दार्शनिक स्थल पे बच्चों को उसके बारे में बताया जाता है। कमजोर शिक्षकों की पहचान एवं उसका सशक्तिकरण करना। जो शिक्षक अपने सब्जेक्ट में या किसी चीज में उनको प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर वर्क किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान एवं उनका सशक्तिकरण करना। शिक्षा शास्त्रीय नवीनीकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना। अगर आप इस नोट्स को अपने नोट डाउन कर लेते अपने नोटबुक में और फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते तो इतना इनफ है शॉर्ट नोट्स के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है जिसमें कि 4 टॉपिक रहता है शॉर्ट नोट्स में, उसमें 2 ही पे लिखना होता है, तो इतना पॉइंट्स इनफ है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।